अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। मेरा नाम मेहरान अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो टीवी मीरपुर। आज आप दूसरा पार्ट देख रहे हैं सोफ़े का। इसमें मैंने आपको पहले पार्ट में कटिंग सिखाई थी, इसमें इंशाल्लाह आपको सिलाई सिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहले दूसरी वीडियो भी पसंद आई होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी तो वो पहले कटिंग वाली वीडियो देखेंगे, तो आज उनको वीडियो बहुत आसानी से समझ आने वाली है। और बहुत ही अच्छी किस्म की वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आए दिन तक किसी ने ऐसे शेयर नहीं की हो। ये आपको रेड कलर का जो कपड़ा नज़र आ रहा है, कंट्रास्ट कपड़ा मैंने लिया था। तो इसका 3 इंच का मैंने 4 में पीस ले लिया, आधे रुख में इसको मैंने काट लिया था। तो कोशिश कीजिएगा कि आप भी 3 इंच का ही इसको काट लें, क्योंकि मेरे पास जो पाइपिंग है वो मोटी है। तो इसको आपने जब जॉइंट आपस में लगाना है लंबी पाइपिंग के लिए, तो इसको फिर सीधे नहीं काटना, हमें क्रॉस में काटना, थोड़ा तिरछा काटेंगे। तो जब इसका जॉइंट लगेगा तो पाइपिंग में वो जॉइंट आसानी से इसके अंदर चला जाएगा। अगर और सीधा काटेंगे, सीधा जॉइंट लगाएंगे पाइपिंग में, मोटा हो जाएगा, बुरा लगेगा। ऐसे तरीके से लगाएंगे तो बुरा नहीं लगेगा, तो मिक्स हो जाएगा सिलाई के अंदर, पता भी नहीं चलेगा और पाइपिंग अच्छी निकलेगी इससे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक विज़िट नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट कीजिए, बहुत कुछ आपको सीखने का मिलेगा। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिएगा। जो लोग पहले से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप प्लीज़ ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते हैं, इंशाल्लाह आपको ऐसे ही मैं सिखाता रहूँगा। व्यूअर्स, सबसे पहले ये हमने मशीन का दूसरे वाला पैर उतार के सिंगल पैर चढ़ा लेना है। पाइपिंग का जो भी काम है, जैसे हम कमीज लगा के पाइपिंग करते हैं, वैसे ही इसकी पाइपिंग निकलेगी, सिंगल पैर से सारी पाइपिंग निकलेगी इसकी। व्यूर्स, ये वीडियो को मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूँगा, क्योंकि अगर शॉर्ट वे से दिखाते हो तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, तो बाद में प्रॉब्लम। जिन लोगों को अगर वीडियो की समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं आपको दोबारा फिर वीडियो डाल दूँगा अच्छे से समझा कर। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ आ जाएगी वीडियो, मैं आपको स्टेप बाई स्टेप सिखा रहा हूँ। ये हमने जो जैसे कटिंग की थी वैसे हमने बिछा लिया सोफ़े के ऊपर जो कपड़े, बैक सबसे पहले बैक और जो सीट वाली साइड है इसको आपस में हम बिछाएंगे, और टुक्के से सेंटर वाले टुक्का जो होगा उससे पकड़ के तो हम सिलाई स्टार्ट कर देंगे। यहाँ मैं टुक्का दिखा रहा हूँ, टुक्के से पकड़ते हुए हम साइड पे जाएंगे, वहाँ से ही हमने फिर सिलाई अपनी स्टार्ट करनी है। ये देख लें, ये पाइपिंग को आपने ऐसे ही जो कपड़े जो एक तरफ तो पाइपिंग साफ़ है, एक तो कपड़ा नज़र आ रहा होगा, इसको किनारे पाइपिंग का किनारा और नीचे वाला पीस ऊपर वाला पीस, इन तीनों के किनारे आपने बराबर में रखने हैं। तो आपने तो आपकी जो है ना कोशिश कीजिए तीनों किनारे आपके आपस में बराबर ही आएँ। तो जब आपकी पाइपिंग सिलाई लगाना शुरू करेंगे सिंगल पैर से, तो आपने इसको कोशिश करनी है कि आपका पाइपिंग से जो फासला पैर का सुई का वो दूर ना हो, उसके साथ ही रहेगा। तो जब आप उल्टी तरफ से उल्टाएंगे इसको, तो आपकी जो पाइपिंग वाली सिलाई है वो नीचे से शो नहीं होगी, सफाई के साथ वो आपकी पाइपिंग माशाल्लाह नज़र आएगी। तो ऐसे पता चलेगा जैसे प्रॉपर प्रोफेशनल किसी आदमी ने ये सिलाई किया है। तो ये मैं आपको ये देखिए कितना माशाल्लाह खूबसूरत ये पाइपिंग हमारी लग रही है। तो कोशिश कीजिएगा आप भी, जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, आप भी ऐसे कीजिएगा तो इंशाल्लाह खूबसूरत ये हमारी जो साइड वाला है, बैक वाला है, ये पाइपिंग हमारी मुकम्मल हो गई है। ये देख लें जो बैक वाली साइड से, ये हमारी मुकम्मल हो गई है। देखिए कितनी माशाल्लाह खूबसूरत लग रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये अब सीट वाले कपड़े को हमने बिछा लिया है साथ में, तो अब हम इसका ये टुका आपको नज़र आ रहा होगा जो कटिंग के दौरान हमने टुके लगाए थे, इस टुके को टुके के साथ मिलाना है। तो इसको फिर मैं आपको हालांकि एक ही दफ़ा सारा सिलाई करके दिखा देता, लेकिन आपको समझ नहीं आनी थी, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ कि हर वो बंदा सीख ले जो बिल्कुल इस काम में नया है। जिस बंदे को कहीं भी मसला आए समझने में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। और दोबारा अगर चाहेंगे तो फिर मैं वीडियो डाल दूंगा इसकी प्रॉपर, इसको स्पीड अप नहीं करूंगा। उम्मीद करता हूँ सबको इंशाल्लाह आसानी के साथ समझ आ जाएगी। व्यूज़, ये देख लें, हमने जैसे बताया था कि आपने टुके से स्टार्ट कर लेना है, तो चाहे बेशक टुके से एक तरह एक साइड पे लेके सिलाई को चले जाए, लेकिन आपने टुके को नहीं छोड़ना, टुके से मिलाते जाएंगे तो आपका जो जो कवर है
इंशाल्लाह मुकम्मल बन जाएगा, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत आसान है, 3-4 दफ़ा आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैंने इस वीडियो को स्पीड अप कर दी है टाइम को बचाने के लिए। व्यूअर्स, इस दफ़ा मैं पूरा सोफ़े का कवर आपको सिलाई करना दिखा रहा हूँ, ये देख लें। ये मैंने मीट वाली जो सिलाई है वो लगा ली है, तो हमारे ये 3 पार्ट्स जो है आपस में जुड़ गया। अब हमारे रह गया जो गोटे का जो गुलाई वाला हिस्सा था, ये अब हमारा रह गया। अब हम इसको इसके साथ पाइपिंग हमारी लगानी रह गई है। ये प्लीज़ गौर से देखिएगा, ये मैं एक ही साइड आपको दिखाऊंगा तो आपने दूसरी साइड भी उसी तरह से पाइपिंग उसकी लगानी है। तो ये देख लें कैसे हमने इसको इसके साथ लगाना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। पाइपिंग लगाना बहुत आसान है, इससे आपका सोफ़े के कवर में जान आ जाती है और ख़ूबसूरती बन जाती है। तो कम खर्च बाला नशीन, इतना महंगा काम नहीं है, लेकिन आपका सोफ़े का कवर दिलकश हो जाता है इस काम से। तो अगर आप किसी टेलर से बनवाएंगे तो ये देख लें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत ये पाइपिंग लगी है। अगर किसी टेलर से बनवाएं वो 1500, 2000 या 3000 तक लेते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ऐसे तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, घर में खुद ही ये कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे आप। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये देखिए अब हमारे नीचे वाला हिस्सा रह गया, तो ये हम इसके साथ भी पाइपिंग अटैच करेंगे। यहाँ से यू बनी है गोडे की पाइपिंग, अब हमारी पाइपिंग यहाँ से स्टार्ट स्टार्ट होकर इसके साथ लगेगी। तो ये देख लें, आपको मैं दिखा रहा हूँ सारा, ये ऐसे पाइपिंग हमारी चार के आगे चलेगी। व्यूअर्स, यहाँ से भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, समझने में दिक्कत पेश हो रही हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा उसका और सिखा दूंगा दोबारा से। अगर चाहेंगे तो इसकी मैं दोबारा से वीडियो अपलोड कर दूंगा, डाल दूंगा। तो ये वीडियो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरी वीडियो हर वो बंदा सीख ले जो नाड़ी है। तो जो लोग टेलर्स हैं तो प्लीज़ महसूस ना कीजिएगा कि ये वीडियो उनके लिए नहीं होती, ये मैं कुछ उनके लिए लेके आता हूँ कि जो इस काम में बिल्कुल नहीं है, बिगनर्स हैं। तो मैं इतना बड़ा कोई उस्ताद नहीं हूँ, आज दिन तक इस काम का कोई भी उस्ताद नहीं हो सका। टेलिंग का काम समुंदर है, समुंदर की गहराई नहीं होती, इसी तरह इसी काम का कोई भी उस्ताद नहीं होता, और मैं तो खुद को उस्ताद भी नहीं मानता। तो कोशिश करता हूँ कि बस किसी को कुछ ना कुछ जो पता है, किसी का बस फ़ायदा हो जाए, भला हो जाए। तो ये आपका अपना चैनल है, तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, अगर इससे बेहतर कोई राय है तो वो भी बता दीजिए, वो भी कमेंट्स किया करें। पाइपिंग को जब भी लगाना है तो आपने बड़ी एहतियात के साथ लगाना है, तो कोशिश कीजिए कि पाइपिंग से आपका सुई का जो गैप है वो ज़्यादा दूर ना हो, इससे पाइपिंग आपकी हट जाएगी तो सिलाई दूसरी तरफ शो हो जाएगी, वो बुरी लगेगी। आप कोशिश करें दबा कर से सिलाई लें। ये देखें मेरा ये कवर कंप्लीट हो गया, तो ये देख लें माशाल्लाह कितना प्यारा ये कवर जो है आपके सामने, पाइपिंग भी मुकम्मल हो गई है। तो अब ये देख लें सारा ये कवर मेरा सिलाई हो गया, नीचे से बस उसकी जो सिलाई रह गई है। ये देखिए मेरे तीनों जो सोफ़े की सीटें हैं जो दो साथ, उनका भी मैंने मुकम्मल कर लिया था, और इसके साथ ये वीडियो आपके साथ शो हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया तो आपकी सपोर्ट का, और दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेहरान अली को अपने भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।